केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रशंसा कहते देश में एलपीजी कनेक्शन क्षेत्र में उल्लेखनीय अभिवृद्धि मैनेजमेंट एक भल केस स्टडी संबलपुर रे आईआईएम रो स्थायी कैंपस रो शिलान्यास अवसर में मोदी कहते मैनेजमेंट अर्थ केवल बड़ बड़ कंपानी संभालिबा नुहे मैनेजमेंट अर्थ जीवन को सठिक बाटरे नेबा एलपीजी गैस रो सठिक मैनेजमेंट पाई देशर कोटि कोटि लोकों मुहरे हस फुटि पारिछि जदियो देश स्वाधीन होबार 10 वर्ष पर रंधन गैस आसी सारिथिला तेबे एहा केवल धनी लोकों पाखरे सीमित थिला 2014 पर्यंत देश में रंधन गैस कनेक्शन मात्र 55% थिला किंतु बीजेपी सरकार क्षमता को आसीबा परे स्थायी समाधान रो लक्ष्य नहीं काम करिबारु वर्तमान एही संख्या 98% रु अधिक रहिछि और इसलिए हम है कि ओडिशा के ही संतान भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। साथियों, हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब 10 साल बाद आ ही गई थी, लेकिन बाद के दशकों में रसोई गैस एक लग्जरी बन गई, रहिशी लोगों की प्रतिष्ठा बन गई। लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, इतने पापड़ बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी। हालत ये थी कि साल 2014 तक, आज से 6 साल पहले, 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55% थी, 55% थी। जब अप्रोच में परमानेंट सॉल्यूशन का भाव न हो तो यही होता है। 60 साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55%। अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बीत जाती। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना ही होगा। आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है? 98% से भी ज्यादा। उदाहरण दे मोदी कहिछंती गोटिए पटे समस्या रखिबा सह अन्य पटे स्थायी समाधान रखिथिले सरकार। यहाँ परे यहाँ को फलप्रद करिबा पई अनेक चैलेंज आसीथिला जहारो सामना करी समाधान रो सूत्र बाहर करिथिले सरकार। नुवा 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर सृष्टि करिबा सह देशव्यापी बटलिंग प्लांट बसा जाइथिला जहाँफल गत 6 वर्ष 14 कोटी रु अधिक गैस कनेक्शन मिली। उज्ज्वला योजना रे ओडिशा रे मध्य 50 लाख गरीब पाई गैस कनेक्शन। साथियों, हमने एक तरफ प्रॉब्लम को रखा, एक तरफ परमानेंट सॉल्यूशन को रखा। चुनौती थी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की। हमने 10,000 नए गैस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन किए। चुनौती थी बॉटलिंग प्लांट कैपेसिटी की। हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश की क्षमता को बढ़ाया। परमानेंट सॉल्यूशन देने की इसी नियत का नतीजा है कि आज देश में 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। 2014 से पहले देश में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। सोचिए, 60 साल में 14 करोड़ गैस कनेक्शन। हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहां उड़ीसा में भी उज्ज्वला योजना की वजह से करीब करीब 50 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है। से परी जनधन अकाउंट को नहीं मोदी कहिछंती केही स्वप्न रे भी भाबी नथिले 40 कोटी रो अधिक लोकों को अकाउंट खोलिबा एत्ते सहज हेबो, किंतु सठिक मैनेजमेंट जोगु एहा संभव हैला। देश में गरीबों के लिए जनधन खातों के लिए
किस तरह की प्लानिंग हुई, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका मैनेजमेंट किया गया, इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही है, क्योंकि उस समय वो बैंक संभालती थी। जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो, ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां संभालना ही नहीं होता। सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां संभालना भी होता है। देशर समस्या को सठिक भाव बुझिता मनुष्य ही जड़े भल मैनेजर हो पार ज्ञान को निर्दिष्ट भाव सीमाबद्ध न रखी यार परिसीमा व्यापक होगा उचित बोली प्रधानमंत्री। संबलपुर मलभूं रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।